राजीव जी, देखिए बहुत सारे मुद्दों को लेकर तो लगातार मोदी जो है वो घिरते जा रहे हैं। इस समय संसद की जो ये ताजा घटनाएं हैं और जो लगातार जो विपक्षी जो नेता हैं, खासकर जो मुखर नेता हैं, आप देखिए उनको निकाला जाना ये बतला रहा है कि अब जो है एक्सपंज करने से उनका काम नहीं चलता, उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हो रहे। इससे अच्छा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों को सीधे सीधे संसद से बाहर का ही रास्ता दिखाया जाए। अब मुझे डर इस बात का है कि जैसे जैसे मोदी की परेशानियां बढ़ेंगी और अगले दो सत्र अभी बचे हुए हैं, एक ठंड का सत्र आएगा, उसके बाद अगले साल उनका, मतलब मोदी जी के इस कार्यकाल के दो सत्र भी बचे हुए हैं कम से कम, तो उसमें क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो या तो पूरा नदारद हो जाएगा या बच जाएंगे केवल जो नेता विहीन जो अन्य सांसद है वही रह जाएंगे। उनकी जो विसंगतियां जो बार बार बाहर आ रही हैं, देखिए अभी उन्होंने यहाँ जो भाषण दिया बड़ा मजेदार है। उनका कहना है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि संसद में विपक्ष के साथ विस्तृत चर्चा करना चाहता है। चलिए उनकी बात को मान लिया जाए कि विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था, तो आप गृह मंत्री होने के नाते तो आप स्वयं इस बात को बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते थे। जैसे आप संसद में तीन दिन नहीं आए, लेकिन आज आप वहां पर खड़े होकर, मध्य प्रदेश में खड़े होकर संसद के अंदर की सारी स्टोरीज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो अगर हमारे गृह मंत्री जी इतने चिंतित थे और इस बात पर चर्चा करना चाहते थे तो उन्हें बाहर किसने रोका है? बहुत सारी घटनाएं हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जो है ये सरकार जो है वो करती है। जहां पर अगर किसी ने कोर्ट ने कोई आदेश कर दिया तो उसके खिलाफ अध्यादेश लाके अपने मनमर्जी का कर लेती है। तो गृह मंत्री को आखिर रोका किसने था? असली बात तो यह है कि मोदी जी मणिपुर के मामले में जितने दोषी हैं उतने ही दोषी अमित शाह भी हैं। अमित शाह तो जाकर के बीच में आए थे वहां पर मणिपुर में, मोदी तो चलो नहीं गए, लेकिन अमित शाह जब गए होंगे तो क्या उन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं दी गई होगी? सारे अधिकारियों ने दी होगी, वहां के लोगों से वो मिले कि नहीं मिले हम नहीं जानते, लेकिन उनको मिलना चाहिए था। और अगर अधिकारियों ने उन्हें वहां की स्थिति की जानकारी नहीं दी है तो समझिए कि वो निश्चित रूप से बहुत ही असफल गृह मंत्री हैं कि आपके अधिकारी ही उसी मणिपुर की घटना के बारे में आपको जानकारी नहीं दे रहे जबकि आप इस समय मणिपुर में बैठे हुए हैं। तो इसके बाद भी हाल वो तो जी, वही मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वहाँ बैठे और कह के आए थे कि 15 दिन और रहूंगा, 15 दिन बाद फिर आऊंगा, और बहुत सारे तथ्यों के साथ जिसमें बहुत गलत तथ्यों के साथ वो संसद के अंदर भाषण दे रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये गृह मंत्री का जिस हिसाब से बता रहे हैं तो अपने आप में वो बिल्कुल पता चल रहा है कि किस तरीके से झूठ है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि संसद के अंदर इसके ऊपर चर्चा होती, विषयवार बात होती और वो हमसे पूछते, आरोप प्रत्यारोप की बजाय हम चर्चा करना चाहते थे। तो भाई तरुण गौरव गोगोई ने तो बहुत अच्छी इसकी शुरुआत की थी, बड़े पॉइंट वाइज उन्होंने पूछा था कि इन तीन सवालों का जवाब दीजिए, इन चीजों के बारे में बताइए। अगर आप गंभीर चर्चा के लिए वाकई बहुत दिलचस्पी रखते थे तो आप उनका जवाब देते, आप खुद आते उस समय अमित शाह को कहते कि भाई इन चीजों का आप जवाब दीजिए। असली बात, आपने वहां पर तीन दिन तो किसी तरीके से निकाल दिए अविश्वास प्रस्ताव के, अब आप बाहर जो है संसद, जो चीज संसद में कही जानी चाहिए उसको आप बाहर कहते हैं, और जो चीज बाहर कही जानी चाहिए चुनावी सभाओं में जो कहा जाता है उसको आप संसद के अंदर कहते हैं। तो अपने आप में बहुत ही विचित्र और बहुत ही विसंगतिपूर्ण व्यवहार है मोदी जी का। तो मोदी जी का ये जो व्यवहार है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से वो अपने झूठ पर जो पर्दा डाल रहे हैं। इसके अलावा चलिए हम मान लिए कि मणिपुर की बात को आपने ठीक से नहीं बताया, लोग चर्चा नहीं करना चाहते, चलिए नूह के बारे में बात कर लीजिए। नूह के मामले में आप क्या कर रहे हैं? अभी तो संसद खत्म हो गई, आप बताइए कि आपके नाम पर लेकर जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो गोली मारी गई उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे इतने विषय हैं कि आप बात तो कीजिए लेकिन आप बात नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे आरोप लगाएंगे विपक्ष पर। तो अपने आप में यही बताता है कि मोदी जो है, जो आसन्न चुनाव है अगले 5 राज्यों के, उससे निश्चित रूप से वो परेशान है, घबराए हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे सर्वे आ रहे हैं। और यहाँ तक कि बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो कहा जा रहा है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि बात बहुत खुल के अभी सामने नहीं आई है लेकिन आएगी, हो जाने दीजिए चुनाव की घोषणा। तो उसके बाद मोदी जी का जो ये व्यवहार है वो बता रहा है कि आपके पास अब एक ही बात रह गई है कि आप कांग्रेस को कोसिए, विपक्ष को कोसिए, और संसद जब चालू हो तो आप तमाम मुखर जो आपके विपक्षी दल के नेता हैं या सांसद हैं उनको आप बाहर का रास्ता दिखाइए। इसके अलावा अब आपके पास कोई चारा
नहीं रह गया, ये दुखद स्थिति है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। राजीव जी, जी बिल्कुल, जो बातें अंदर होनी चाहिए थी, मणिपुर पे जो चर्चा होनी चाहिए थी, मणिपुर पर जो